नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। कोरोना ने नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की 42 साल पुरानी परंपरा को ब्रेक लगा दिया है। प्रतिवर्ष दिसंबर के अंत और जनवरी के प्रथम सप्ताह में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा स्वर्गीय नारायण सिंह की स्मृति में अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष टूर्नामेंट कमेटी अध्यक्ष कलेक्टर दीपक आर्य और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक, महासचिव विजय वर्मा एवं क्लब की सहमति से इस वर्ष स्वर्गीय नारायण सिंह की स्मृति में अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 24 दिसंबर को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने की। इस दौरान महासचिव विजय वर्मा भी मौजूद थे। हम लोगों ने अभी कल तय किया है कि हर साल अटल जी एक शाम अटल जी के नाम का आयोजन हम नगर पालिका के सभागृह में कराते थे। तो कोरोना काल के चलते बहुत संक्षिप्त में लोकल कवियों को बुला के एक शाम अटल जी के नाम कल अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर शाम 7 बजे से उसका आयोजन नगर पालिका के सभागृह में किया गया है। तो कोरोना के प्रोटोकॉलों काल का पालन करते हुए वो आयोजन अटल जी की याद में होता रहा। तो उसका भी आयोजन कल शाम को 7 बजे से आप लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। आप लोगों के माध्यम से शहर के तमाम जो कविता प्रेमी हैं, जिनको कभी सम्मेलनों में आनंद आता है, हम लोग बाहर से कभी बुलाते थे वो नहीं बुला रहे, लोकल से कुछ कभी अपने साथी हैं जिनको बुला कर इस आयोजन को करेंगे। मैं आप सब लोग और आपके माध्यम से जिले भर की प्रेमी जनता उनको हम लोग नेहरू स्पोर्टिंग का जो अभी टूर्नामेंट के बारे में आपने बताया, आपके साथ हम कलेक्टर महोदय से परसों मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट अपना बालाघाट का एक पहचान है और इस पहचान को हम बनाए रखेंगे, लेकिन कोरोना बीच में आ गया है। तो कोरोना के चक्कर में आप इसे थोड़ा स्थगित रखें, तो हम लोगों ने इसको स्थगित अभी थोड़े समय के लिए किया है। बंद तो होगा नहीं, स्थगित किया है उनसे पहले से भी, और हमारे को हॉकी इंडिया से भी परमिशन लेनी होती है। तो हॉकी इंडिया से भी बात हुई थी, हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई उसके पहले एक दिन पहले। उन लोगों ने यही कहा कि परमिशन अभी आप ना लें, मार्च अप्रैल में जैसी अगर स्थिति अच्छी होगी तो हम आपको ये परमिशन देंगे। लेकिन बीच में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने कहा है कि ऐसा तरह का प्रयास हो रहा है, तो बालाघाट के अधिकारी पर भी बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं और टर्फ की स्वीकृति हो चुकी है, अलाटमेंट भी हो चुका है, लेकिन फंड ट्रांसफ़र अभी पुलिस हाउसिंग को होना था वो अभी बाकी है।